जल्दी दूध ठंडा कीजिए ना पापा जी, हम लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। जरा सी देर हो जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन घर से दूध पीकर ना जाएं तो बहुत कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोरी, चक्कर, बेहोशी। पता है राह चलते चलते बंदा गिर भी सकता है, उसे चोट लग सकती है। और अगर लेट पहुंचने पर प्रॉपर एक्सक्यूज ना दो तो पनिश किया जाता है। तो दे देना ना एक्सक्यूज मेरे बारी, जो मैं बचपन में अपने मास्टर जी को दिया करता था। आपका एक्सक्यूज बहुत सॉलिड होगा ना पापा जी। हाँ हाँ, क्या एक्सक्यूज देते थे आप? रोनी सूरत बनाकर सर नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता था, जैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मास्टर जी को कहता था, मास्टर जी मैं गिर गया, मुझे लग गई। कहाँ गिरे, कहाँ लगी, ये नहीं पूछता था मेरा मास्टर। लेकिन हमारी टीचर तो पूछेगी ना, तब हम क्या जवाब देंगे? हाँ, टीचर से तो हमेशा सच बोलना चाहिए, और मेरा सच ये है कि मैं नहा धोकर कपड़े पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और गिर गया बिस्तर पर और मेरी आंख लग गई। आम रेडी, चलो। मैं क्या जी, तुसे कितने चले? तेरे वास्ते मुंडा देखने। हाय हाय, की कह रहे हो? होर नहीं तो की, तेनू तो पता है रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने गाड़ी जाती है और रास्ते में आता है मंदिर। राजू मुझे मंदिर में छोड़ देता है, मैं 2-3 घंटे भजन सुनकर घर लौट आता हूँ। कम से कम रब नू तो शामिल ना करो तोड़े झूठ विच। झूठ नहीं, होर नहीं तो की, रोज आपके कुर्ते की जेब से नीले पीले गुलाबी कागज के टुकड़े मिलते हैं, मैनू पता चल गया है, और सिनेमा दी टिकटें हैं। तेनू पता चल गया है? हाँ जी, मंदिर के नाम से रोज बाइस्कोप देखने जाते हो। हुन तेनू पता चल ही गया है तो तू भी चलना साथ में, बड़ा मजा आएगा। किसको? हम दोनों को। कोई नहीं, न तुसी जाओगे न मैं जाऊंगी। बच्चों चलो स्कूल जाओ, इनको तो भजन मैं सुनाती हूँ। पापा जी सो सॉरी। अरे गुस्सा इतना हसी है तो प्यार कैसा होगा, प्यार कैसा होगा। ये भीख कौन मांग रहा है? तेरे पापा जी गाना गा रहे हैं। भीख ही तो मांग रहा हूँ तुमसे, मैंने माफ कर दे। बीजी हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि जब रूठ जाते हैं तो झट से नहीं मानते, पहले अपनी बात मनवाते हैं। आप भी पापा जी को तभी माफ करना जब ये कोई आपको सिनेमा दिखाए। आई डोंट माइंड, मैंने मंजूर है। नम्रता पुत्र है, उसे भी साथ ले चलना सिनेमा देखने। हाँ जी बीजी। पुत्र मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ मेरे वाला बहाना। कोई नहीं, मैं सचमुच जा रही हूँ। चलेगी बेटा? हाँ जरूर बीजी, हम भी चलेंगे। हाँ हाँ चल, तुसी कार बैठो, कहीं नहीं जाना। हाँ चलो। हाँ। बेटा गर्क, जाना था मैंने और चले गए ये सब, मैंने अकेला अच्छा दिखे। ओ लाले दी जान, हम सुबह से ऐसी मौके की ताक में होती। कैसा मौका? कि तुम हमको घर में अकेला मिलती, हम तुमसे मिलने आती, अपने दिल की बात कहती, आपकी शानों पे सर रख के रोती, आप हमको गले से लगाती, हमारी पेशानी को चूमती, हमको तसल्ली देती, हमारा दर्द सुनती और हमसे हमदर्दी करती। मैं क्यों करने लगा ये सब? ओए लाले दी जान, आप हमारा एक ही एक दोस्त होती, जो बात हम दुनिया को कहने से शर्मा दी वो बात हम अपनी दोस्त से कह सकती। ओए तू दोस्त के सामने बेशर्म मर जाएगा। ओ नहीं लाले दी जान नहीं, हम जानती जो बात हम अपने दोस्त से कहती वो किसी और को नहीं कहती, और उसकी बदनामी भी नहीं होती। बदनामी? किसकी बदनामी? हमारी मोहब्बत की। आज हमारी मोहब्बत की बरसी होती। ओए पहले को नहीं पता हैप्पी बरसी। ओ नहीं लाले दी जान, आज से 2 साल पहले उसके दर से हमारे मोहब्बत का जनाजा उठती, जो हमारे दिल में गमी गम कर जाती, जो गम हम अपने दिल में छुपाए रखती। अच्छा तो ये गम है तेरा जो तुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, लेकिन एक गल तो दस, क्यों मरी कैसे? कौन? तेरी गर्लफ्रेंड? और नहीं लाले दी जान, वो तो जिंदा होती, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र देती, मार तो हम खाती उसके हाथ का अपने गाल पर। उसने तुझे थप्पड़ मारा? पर क्यों? और लाले दी जान, ये ट्रेजिक लव स्टोरी हम आपको शुरू से सुनाती। हाँ यही ठीक रहेगा, कहानी सुनने से पहले एंड का पता चल जाए तो मजा किरकिरा हो जाता है। चल बैठ, अपनी लव स्टोरी आराम से सुना मुझे। हाँ ये कहानी तब शुरू होती जब हम उसको पहली बार देखते। पठान बरसात की रात कभी नहीं भूल सकती। वो हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहती और हम दोनों बंगले के बीच बरसात होती। दोनों बंगले के बीच? और बरसात में रोती हुई एक बिल्ली। बिल्ली? हाँ बिल्ली। वो अपनी खिड़की से बिल्ली को देखती
हम अपनी खिड़की से बिल्ली को देखती, हम बिल्ली को चप्पल मारती, वो बिल्ली को चप्पल मारती और हम दोनों की चप्पल भिड़ती। उसके बाद वो हमको देखती, हम उसको देखती और हो जाता है प्यार। ना वो कुछ बोलती ना हम कुछ बोलती। सर इन लव। उसके बाद वो जो बिल्ली ना बिल्ली वो बोलती भीगी बिल्ली। और यूं ही दिन हफ्ते महीने साल गुजर जाती। पर ये लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती? बढ़ती बढ़ती एक दिन हम हिम्मत करती और उसको इशारा करके बाग में बुलाती। बाग में ठीक 4:30 बजे बुलाती। 5:30 बजे क्यों नहीं? ठीक है आगे बढ़। वो आती, वो गुलाबी रंग का शलवार कमीज पहनकर आती। हम पहले उसको प्यार से गुलाब देती, उसके बाद उसको कहती आप बहुत खूबसूरत लगती, आप हमसे निकाह करती। पहले तो वो हैरान होती, उसके बाद वो हमको जोर का थप्पड़ मारती। क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी होती बाबा और हमारी जबान गड़बड़ होती। वो हमसे नाराज होकर चली जाती, जाकर प्रोफेसर सिद्दीकी से शादी मनाती। आज उसकी शादी की सालगिरह होती और हमारे मोहब्बत की बरसी। हाउ सैड। किस गाल पर मारा था उसने? इस पे आप हमको थप्पड़ क्यों मारती? जो डांट तुझे पड़ने वाली है वो थप्पड़ मारकर ही दी जाती है। लेकिन आप हमको क्यों डांटती? गधे को समझाने से समझ नहीं आती, उसे मारकर ही समझाया जाता है। आप क्या समझाना चाहती? तूने मान लिया कि तू गधा है? देखो हमारा बड़ा भाई जो बोलती हम उसकी बात मानती। ओए, तूने मुझे गधा कहा? ऐसी दुर्गति मारूंगा कि सीधा काबुल पहुंच जाएगा। बेवकूफ नहीं, बर्शी बनाने चला अपनी मोहब्बत की, बर्बाद जवानी का किस्सा सुना रहा है मैनू ताकि मैं तेरे आंसू पोंछूं। रोना तो मुझे आ रहा है कि मैंने तुझ जैसे नाकामयाब आशिक को दोस्त बना लिया। अब दोस्त बना ही लिया है तो तुझे कामयाब आशिक भी बनाऊंगा। ये आप क्या बोलती, हमको कुछ समझ में नहीं आती। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो मैंने सोचा है पहले उसे कंप्यूटर में फिट तो कर लूं। और लालदी जान, आपके पास कंप्यूटर होती? हाँ, हर शादीशुदा इंसान के पास कंप्यूटर होता है, उसकी वाइफ। तुसी मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं करण, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं जी नहीं, मैं नहीं मंदी, पठान पुत्र ते इश्क। तू हंसना बंद कर तो सोच। मैं की सोचा? एक लड़की एक लड़के में कौन से गुण ढूंढती है जो मिलने पर उसे अपना जीवन साथी बना ले। हाँ, ते मेरे पठान पुत्र में तो बहुत सारे गुण है। हाँ। दिल दा साफ है, पोला पाला है, 5 वक्त दी नमाज पढ़ता है। हाँ। खुदा दा बंदा है, खुदा दा बंदा। हाँ, बस एक ही दोष है, जे उसके पहले भी उसके आड़े आया होना है ते हुन भी आ सकता है। उसका उतावलापन? ना जी ना, इस उम्र में तो सारे ही बुंडे उतावले होंदे। सोच लिया तो फिर पठान भाई समझ लीजिए आपका काम हो गया। भाभी जान, हम सब काम करने को तैयार होती पर हम अपनी मोहब्बत को नहीं भूल पाती। जो तुझे भूल गया तुम ही उसे भूल जा। हाँ पुत्र, यही दुनिया का दस्तूर है। The whole thing is that पठान भाई की फर्स्ट लव तो कोई भी नहीं भूलेंगे, लेकिन फिर फर्स्ट के बाद सेकंड होइंग, थर्ड होइंग, फोर्थ होइंग। बस बस बस, हमको 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं होती बाबा। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि शादी ब्याह तो संजोग की बात होती है, वहाँ आपके संजोग नहीं थे इसलिए नहीं जुड़ा आपका रिश्ता। इसलिए आप पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे देख। हमारे आगे तो ये खंबा होती। ये खंबा तेरे रास्ते से किस तरह हटेगा यही तो सोचा है तेरे पापा जी ने। मैं बताऊं मैंने क्या सोचा है? सलीम, तुझे बदलना होगा। ये आप क्या बोलते जिल्ले इलाही? ओए, मैं उर्दू नहीं बोला, सीधी सीधी हिंदी बोला हूँ। तुझे बदलना होगा, इसलिए तुझे साफ करनी पड़ेगी अपनी जबान। तो क्या पठान अंकल ब्रश करने के टाइम टंग नहीं साफ करते? So bad. मैं उस सफाई की गल नहीं कर रहा, मैं गल कर रहा हूँ साफ भाषा की। लैंग्वेज माई डियर लैंग्वेज, साफ सुथरी हिंदी जैसे मैं बोलता हूँ। लेकिन पापा जी आप तो पंजाबी में हिंदी बोलते हैं। तुम भी भोजपुरी में हिंदी बोलेंगे। लेकिन राजू भाई तुम भी अंग्रेजी में हिंदी बोलती। हाँ हाँ, हम कुछ भी बोलते हैं लेकिन तेरी तरह हमारा सेक्स चेंज नहीं होता। सेक्स चेंज मतलब बॉय बिकम्स गर्ल और गर्ल बिकम्स बॉय। Yeah.
हाँ, he means gender. जैसे निकू पढ़ता है, रिया पढ़ती है ना पापा जी? मैंने तो दोनों को कभी पढ़ते देखा ही नहीं. हाँ, ऐसे ही थोड़े ना अच्छे नंबर ले आते मेरे पोता पोती. तुसी तो पठान पुत्र नु समझाओ जो समझाना है. वो तो अभी तक समझा के नहीं. आप हमको क्या समझाती? समझाती नहीं, समझाता. हम वही तो बोलती. बोलती नहीं, बोलता. पापा जी, क्या माजरा होती? बीजी, आप कुछ जानती? और जानती नहीं, जानता. नहीं नहीं, ये जानती, तू जानता. लड़की जानती, लड़का जानता. लड़का लड़की दोनों जानती? तो नहीं, लड़की जानती, लड़का नहीं जानती. लड़का नहीं जानती? नहीं. लड़का क्या नहीं जानती? एक ढापण दूंगा, घूम फिर के वही आ जाता है. चल जा जाओ. लो जी, तो चंगी हिंदी बोल रहा है. हम तो सिर्फ गा के अपने दिल का हाल सुनाती. ये गीत ही तो तेरा टूटा हुआ दिल जोड़ेंगे पठान. इसी तरह गाते गाते तेरी जुबान साफ हो जाएगी. बिल्कुल सही कहा आपने पापा जी. हमारे गानों में इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल होते हैं कि इन्हें गाकर तो कोई भी हमारी भाषा सीख सकता है. हाँ बीबी जी, ये तो बहुत आसान तरीका है. द होल थिंग इज दैट पठान भाई, कि आप गाने की प्रैक्टिस करें मॉर्निंग इवनिंग नाइट, और फिर देखेंगे आप दो दिन में अच्छी हिंदी बोलेंगे. हमको हिंदी गाना नहीं याद रहती बाबा. वो बेड़ा गर्क हो जाए तेरा. चल ऐसा करते हैं, मैं गाना गाता हूँ, मेरे बाद वही पंक्ति तू गाना, ठीक है? मम्मी मम्मी, हम पठान अंकल को एक गानों की बुक लेकर देंगे. गानों की बुक? हाँ जी पापा जी, आजकल ना ये फिल्मी गानों की छपी हुई किताब मिलती है, वो तो परफेक्ट रहेगी पठान भाई के लिए. इस तरह की किताबें भी मिलती है? कहाँ मिलती है? हमको मालूम है, हम अभी जाके लाएंगे. ये तूने क्या किया राजू, अपनी टाइप के गानों की किताब ले आया. पापा जी की वो रद्दी वाले के पास ये एक ही किताब हुई, लेकिन इसमें और भी गाने हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स हिंदी. तो पुत्र, कोई चंगा गाना गाना. हाँ, इसी फिल्म का वो दूसरा गाना है ना, माँ का प्यार बहन का प्यार. हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि किसी गाने में फूफी का प्यार क्यों नहीं होता. शायद किसी शायर को उसकी फूफी ने इतना प्यार नहीं दिया जितना तेरी फूफी ने तुझे दिया है. आप क्या बोलती पापा जी, ये लिखने वाला अपनी फूफी को बहुत चाहती है. देखो तो, तेरे प्यार के रंग हजार वो फूफी रानी है. ये तो किसी ने बसंती का नाम काट कर अपनी फूफी का लिख दिया है. हाँ पापा जी, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, किसी भी गाने के साथ अपनी लाइन जोड़कर कुछ भी लिख देते हैं. यू आर राइट, इस व्याकुल प्राणी ने तो किताब के हर पन्ने पर हर गाने के सामने कुछ ना कुछ लिखा है, है? पर इस पन्ने पर तो एक ही नाम है, कब. क्या कब? पापा जी गाना पढ़िए ना, शायद उसी से जुड़ा होगा ये कब. हम पढ़ती, हम पढ़ती. ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कब. The whole thing is that के लड़का ये पूछेंगे दुल्हनिया ले जाएंगे कब. जब सोने का हार ला देगा तब. अरे सुनो सुनो, हाँ गीत तो है वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, और लिखता है तुम्हारी जुल्फ होती या रात का अंधेरा होती, तू अगर सर मुड़वाती तो सवेरा होती. अरे इसकी जुबान तो बिल्कुल पठान भाई जैसी है ना. हाँ. ये लड़का तो बिल्कुल हमारे जैसा होती. अरे सुनो सुनो, सब सुनती सब सुनती. मेरा पिया घर आती लाले दी जान, मेरा पिया घर आती लाले दी जान, लंगड़ा लंगड़ा के आती, टांग तुड़वा के आती, कीचड़ में गिर के आती, वो नाला धुला के देखती, साबुन लगा के देखती, दूसरे का पिया निकलती, वो किसका पिया घर आती लाले दी जान, किसका पिया घर आती. हे मुंडा तो बड़ा ही बेशरम है. अगर ये हमको मिलती तो हम इस हमजबान को अपना दोस्त बनाती. But the whole thing is that पठान भाई, फिर आप हिंदी हाउ कैसे सीखेंगे? हम हिंदी उसके साथ सीखती. मेरा तो बड़ा मन कर रहा है इस चुटकुले को मिलने के लिए. चुटकुला? और नहीं तो क्या, इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरे से भी ज्यादा लगती है. जब इसने किताब में लिख के ही हमें इतना हंसा दिया, तो मिलने पर तो हमारे पेट में बाली पड़ जाएंगे. But the whole thing is that के कैसे, how पता चलें कि ये कौन हुई? अरे ये तो बिल्कुल आसान है गोबर गणेश, जिस रद्दी वाले से तुमने ये पुरानी किताब खरीदी है उसी जाके पूछो कि ये किताब तुम्हें किसने बेची. हाँ मैं भी यही कहने वाला था. चल राजू चल कर उसका पता लगाते हैं. राजू. जी पापा जी. सच्ची सच्ची दसी. हाँ. इस गाने वाली किताब में कहीं तूने तो नहीं लिखी पठान वाली बोली? नो नो पापा जी, हम सच्ची बोलेंगे, वो किताब तो हम रद्दी वाले से खरीदेंगे. स्वर ऑन गाड़ी. अच्छा उतार दे. सीधी सी बात न मिर्च मसाला, क्या के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाली. ओए लाले दी जान, वाली नहीं वाला आदमी. लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो तो वाली ही है, औरत. हाँ
आपकी सौरत की बात करती? अभी समझाता हूँ। ये जो बुक है ना, गीतों के साइड में जिसने लिखा है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वल्लाह कुर्बान जाओ, अगर वो लिखने वाला हमको मिल जाती तो हम उसका हाथ चूमती। मेरा मतलब है मिल जाता। मिल जाती ही करेक्ट है पुत्र, वो लड़का नहीं लड़की है। लड़की? हाँ। अब बहुत क्या ख्याल है चुमर के बारे में? तू तो शर्मा गया, वो पहले उसका नाम तो पूछ। क्या आप उसका नाम जानते हैं? हाँ, मैंने सब पता कर लिया है। यही रहती है दो गलियां छोड़कर, और नाम है बिल्किस खातून। बिल्किस? हाँ, और वो भी तेरी तरह कुंवारी है। पापा जी, ये मेरा दिल धक 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 क्यों कर रहा है? इसी को कहते हैं मोहब्बत। पर कमाल है, ना मैंने उसको देखा ना उसने मुझे देखा, और हो गया जो होना था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो मैं नहीं, तू बोला है। ये ले देख। ये क्या है? प्रेम पत्र, जो मैंने तेरी तरफ से उसको लिखा है। इसे डाक में डाल दे और तेरी प्रेम कहानी हो जाएगी शुरू। इसमें क्या लिखा है आपने? आई लव यू। नहीं नहीं, ये तीन लफ्ज छोड़कर बाकी मैंने सब लिख दिया है। ये तीन लफ्ज तू ही उसे बोलेगा ना जब मिलेगा। मैंने उसे लिखा है कि तू उससे दोस्ती करना चाहता है। अब वो क्या जवाब देती है उसी हिसाब से हम अगला कदम उठाएंगे। क्या वो जवाब देगी? क्यों नहीं देगी, जरूर देगी। और अगर नहीं देगी तो भी तुझे जवाब मिलेगा, क्योंकि बड़ा जानलेवा होता है ना ये सस्पेंस। तूने रोना शुरू कर दिया। पापा जी, ये खुशी के आंसू है, इन्हीं आंसुओं से मैं अपने कलेजे के जख्म को धो दूंगा। इब्तदाए इश्क में धोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।